हर ट्रिप में आता हूँ, जबकि समय नहीं होता, चाहे 10 मिनट के लिए आऊं, बस ये समझाने आता हूँ एक की बात कि यार तुम जीत सकते हो। बस एक ही बात समझाने आता हूँ, तुम जीत सकते हो। ना करने वालों से दो लोग ज्वाइन नहीं होते, फेलियर लोग अकेले ही रह जाते हैं। तुम ये काफिला लाते हो, ये भी तुम्हारी पर्सनैलिटी से आता है, तुम्हारी बातों से आता है, तुम्हारी हिम्मत से आता है, तुम्हारी ताकत से आता है। अगर 30 आदमी आ सकते हैं तो 30,000 भी आ सकते हैं। टारगेट एक बार कर लेते हैं, दूसरा टारगेट आता है, खुश हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं और मैंने क्या किया था। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग शुरू की थी, मेरी पहली 50 की टीम खत्म हो गई थी, तो मेरा अपलाइन आके मेरे पास बोला, यार अब क्या होगा? मैंने क्या बोला, क्या होगा, चलवा होगा। बोला यार 50 थे अपने पास, 50 के 50 चले गए। मैं कहा मैं लेके आया था ना 50 को, वो थोड़ी मुझे लेके आए थे। तो वो कॉन्फिडेंस आज 15 साल बाद भी मेरे साथ है कि जब मेरे कहने से 15 लोग आ सकते हैं, 20 लोग आ सकते हैं, तो मेरे कहने से 200 भी आ सकते हैं, 2,000 भी आ सकते हैं और 20,000 भी आ सकते हैं। दोस्तों ट्रिप की नहीं है ये, ट्रिप आपने कैसे किया है ये वजह मत भूल जाना कि आप जीत के आए हो। ये जज्बा कभी खत्म मत कर देना। और अगली बार कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, थोड़ा मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, मेहनत तुम सिर्फ ट्रिप करके आ जाओ, तुम्हारा 1 रुपया का खर्चा नहीं, 1 रुपया का टिकट नहीं। लेकिन थाईलैंड में एक मेगा शो करना है, करना है, करना है। मुझे पता है कि हमारा SBPS परिवार दुनिया का सबसे अच्छा परिवार है और दुनिया के जितने भी अच्छे लोग थे परमात्मा ने मुझे दे दिए। राज जो भी कुछ है सिर्फ आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और ये समर्पण और ये सच्चाई के साथ जो आप काम करते हैं, वही से मुझे हिम्मत आती है और जज्बा आता है और रिजल्ट भी आते हैं। मैं परसों एक गुजरात का रिजल्ट देख रहा था, किसी पुलिस वाले का, पता नहीं किसने वीडियो बना के डाला था, गुजरात के लीडर ने डाला होगा या संपूर्ण की टीम से किसी ने डाला। एक पुलिस वाला था, 8 साल से 7-8 लाख रुपए खर्च कर चुका था, है ना, 7-8 साल से, उसको रिजल्ट आ गया और आज वो इतना खुश था। मैं ये नहीं सोच रहा मैंने क्या बनाया है, मैंने ये सोचा कि मेरा फाइटर कितनी श्रद्धा से प्रोडक्ट देता है किसी को, ऊपर वाला सीन। मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने कुछ खास चीज बनाई है, श्रद्धा, आपकी ईमानदारी,